this is Preeti Bedi from Persona Consultants and as per the promise I am back with my live session जहाँ पे हम करेंगे live assessments Canada PR की applications की जो मेरे पास बहुत complicated profiles अभी recently visit करके गए हैं within few days उनमें से मैंने कुछ profiles select की हैं which I would like to share with you and thank you so much for giving such a great response on this live session of live assessment क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये feedback दिया कि live assessment के through हमें काफी clarity मिली कि किस तरह की प्रोफाइल्स जो है वो पीआर में जा सकती है हमारी अपनी प्रोफाइल से रेलेवेंट काफी सारी ऐसी प्रोफाइल्स थी जो कि डिस्कस की गई एंड वी हैव गॉट यू नो ऑप्शंस टू नो वेदर वी कैन अप्लाई फॉर पीआर और नॉट राइट तो मैंने कुछ और टॉप प्रोफाइल्स जो है वो सिलेक्ट की है जिनमें की पीआर की पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छी लेकिन कुछ रीजंस के करके पीपल फील दैट दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल तो आज हम वही डिस्कस करेंगे साथ ही साथ कुछ अपडेट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कनाडा पीआर से रिलेटेड एंड साथ में अगर आपकी कोई भी कनाडा पीआर से रिलेटेड क्वेरी है अगर आपका मन है कि आप कनाडा में परमानेंट जो है सेटलमेंट लें अपनी फैमिली के साथ या फिर अकेले भी बट आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कोई कंफ्यूजन है प्रोसेस को लेके वेदर यू थिंक यू आर नॉट एलिजिबल सो डेफिनेटली दिस लाइव सेशन इज फॉर यू यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन इन दिस लाइव सेशन ओनली So, thank you so much for those who are joining this session or who will be watching this session later on. Try करें कि अपनी friends and relatives के साथ साथ जो है ये Facebook share कर दे जल्दी से अपने अपने Facebook पे so that they can also watch this session and if they need any kind of live assessment they can also put their questions in the comment, right? So, जल्दी से अपडेट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हैं फिलहाल स्टडी वीजा के सबसे पहले मैं अपडेट डिस्कस करूंगी यूके में आप डेफिनेटली इस टाइम पे बहुत अच्छी ऑप्शंस के साथ स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं दोस्त हु आर यू नो इंटरेस्टेड इन यूके हु वांट टू यू नो गो ऑन स्टडी वीजा विद द फैमिली स्पाउस और किड्स के साथ जो लोग जाना चाहते हैं विदाउट इंटरव्यू ऑप्शन है काफी जगह पे आपको विदाउट आईएलटीएस भी ऑप्शन मिल जाएगी प्लस टू के स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को साथ में लेकर जा सकते हैं सो डेफिनेटली आप जो लोग प्लस टू के बाद है वीजा भी आ चुके हैं डोंट बी यू नो इन दिस डाउट कि आप प्लस टू के साथ अपने स्पाउस को लेकर नहीं जा सकते डेफिनेटली स्पाउस के साथ में अप्लाई भी हो सकते हैं वीजा भी साथ में आएगा और आप ट्रेवल भी कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में गैप्स के साथ मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और अगर किसी का ह्यूज गैप है provided the justification is there और अगर हम bachelors की बात करें जो student plus two के level के हैं they can apply for you know diploma program के लिए भी जा सकते हैं and diploma leading to degree में भी जा सकते हैं degree program के लिए भी जा सकते हैं जो minimum IELTS की requirement रहेगी Australia में 5.5 overall है लेकिन अगर किसी के overall 6 है no less than 5.5 है तो वो universities में या institutes जो होते हैं level 2 उनमें भी apply कर सकते हैं level 1 की भी option available Now talking about Canada, Canada में इस टाइम पे मई में बहुत थोड़े प्रोग्राम्स ओपन हैं। अगर आप कनाडा में टेक करना चाहते हैं तो लिमिटेड ऑप्शंस इस टाइम पे अवेलेबल है बट कुछ ऐसी ऑप्शन है जहां पे अच्छे आपको कॉलेजेस की जो है पब्लिक कॉलेजेस में भी अगर हम बात करते हैं या सेमी प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं वहां पे आपको दो से तीन दिनों में ऑफर लेटर मिल जाएगी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है वहां पे आपको 1 वीक तक भी ऑफर लेटर मिल सकती है सो मई इनटेक आप अप्लाई कर सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए भी बहुत कम सीट्स अवेलेबल है जल्दी से जल्दी जो है आप इसमें कोशिश करेंगे अगर अप्लाई करना चाहते हैं कर लें मैं कल एक लाइव सेशन करूंगी जिसमें मैं कनाडा के जितना भी मई इनटेक ओपन है कोर्सेज एंड सितंबर इनटेक उनकी भी डिस्कशन करूंगी राइट सो दिस वॉज अबाउट यूके ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा स्टडी वीजा नाउ कमिंग टू द पीआर हम पहले लाइव की असेसमेंट करेंगे फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा पीआर में क्या क्या अपडेट्स आए हैं और आप किस तरीके से कनाडा पीआर अप्लाई कर सकते हैं सो एलएमआई अवेलेबल फॉर ट्रक ड्राइवर यस डेफिनेटली अवेलेबल सो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी हमारा प्रोफाइल जो कि मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है दैट इज ऑफ श्रीजा वर्मा राइट ये हमारे पास प्रोफाइल आया है एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि ये कनाडा स्टडी वीजा करना चाहते हैं मैं साथ साथ में सारी मिक्स प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो कनाडा स्टडी वीजा करना चाहते हैं ये स्टूडेंट एंड इसमें इन्होंने जो 12th अपनी की हुई है दैट इज इन 2019
2019 में इन्होंने ह्यूमैनिटीज और साइकोलॉजी में जो है वो अपना 12th किया था. उसके बाद ये तीन रिफ्यूजल्स लगवा चुके हैं कनाडा स्टडी वीजा की बैक टू बैक. दो रिफ्यूजल्स तो इनकी रही है 2019 में, नहीं एक 2019 में थी, फिर 2020 में इन्होंने रीलॉन्च किया एंड देन 2021 में फिर से इनकी रिफ्यूजल है. सो द पॉइंट इज दैट कि इनकी इतनी सारी रिफ्यूजल्स के बाद क्या ये कनाडा स्टडी वीजा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? सो इसका आंसर मैं दूंगी आपको इनकी असेसमेंट में. बेसिकली अगर देखा जाए तो बच्चे का प्रोफाइल बहुत ही अच्छा था, सीबीएसई का प्रोफाइल था, 2019 पास आउट था, वीजा डेफिनेटली आना चाहिए था बिकॉज बैंड्स भी जो है ईच में 7.5 एंड 7 है. ये देख के बहुत दुख लगता है जब बहुत अच्छी प्रोफाइल्स जो होती हैं कई बार वो भी रिजेक्ट हो जाती हैं कुछ गलतियों की करके कंसल्टेंट की. मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी का 100% सक्सेस रेट रहता है, बट कई बार टेक्निकल ऐसी चीजों को ना देखकर जब वीजा अप्लाई किया जाता है तो वहां पे बच्चों को अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है उस चीज का मैं कहूंगी हर्जाना भुगतना पड़ता है, राइट? सो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है. 2019 में जब बच्चे ने अप्लाई किया है तो बैंक्स बहुत अच्छे थे. रिफ्यूजल का रीजन रहा है कोर्स सिलेक्शन, अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स सिलेक्ट किया गया लेकिन एसओपी में इस चीज को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि क्या गोल है बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड. ध्यान रखें कि अगर आप अपनी एसओपी में चाहे आपका कोर्स जितना भी मर्जी अच्छा, चाहे आपका क्लैरिटी भी है माइंड में कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से वीजा लेना, आपको वहां पर जाके क्या करना है, क्यों स्टडी करना है कोर्स, पर अगर आप इसे अपनी एसओपी में डिफाइन नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आपको वीजा नहीं मिलेगा. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद एसओपी में 4-5 पैराग्राफ्स डाल देने से इट बिकम्स एन एसओपी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब तक आपका क्लैरिटी ऑफ गोल जो है वो नहीं लिंक्ड है आपके कोर्स के साथ, तब तक आपका वीजा जो है स्टडी वीजा, चाहे आपके प्रोफाइल 6 ईच हो, चाहे आपके 7 बैंड हो, 8 बैंड हो, यू आर नॉट गोना गेट योर वीजा. यही अगर क्लैरिटी जो थॉट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो आपके एसओपी में रिफ्लेक्ट होता है इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो 10 या 12 साल के गैप पे भी, 15 साल के गैप पे भी लोगों के वीजा लग जाते हैं. दैट इज द ओनली रीजन की ग्रेजुएट्स की जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे रेशो आ रही है सक्सेस की, बिकॉज ग्रेजुएट्स आर काइंड ऑफ यू नो एबल टू पोर्ट्रेट वेल इन देयर एसओपी. अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का असिस्टेंस रहता है तो परसोना डेफिनेटली हेल्प आउट करता है अपने स्टूडेंट्स को टू मेक देम एलिजिबल, यू नो, टू मेक देम एबल टू एक्सप्लेन वेल इन देयर एसओपी. तो ये चीज जो है आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जितना मर्जी अच्छा कॉलेज है, जितना मर्जी अच्छा कोर्स है, अगर आपने एसओपी में चीजें नहीं जस्टिफाई की है, यू आर नॉट गोना गेट योर वीजा, राइट? तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ अर्ली चाइल्डहुड का, इन्होंने कुछ भी क्लैरिटी से नहीं एक्सप्लेन किया, वीजा में रिफ्यूजल लग गया. उसके बाद और एक हैरानी वाली बात मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि 2 लाइन में सिर्फ फ्यूचर गोल मेंशन था, विच वॉज सो पुअर, बिकॉज 2 लाइन में अगर आप अपना गोल बता रहे हो और आप कनाडा में जाके पढ़ने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एम्बेसी ऑफिसर के पास पूरे रीजंस हैं आपकी केस को रिजेक्ट करने के. सो फिर इन्होंने सेम गलती की, दोबारा बिना पढ़े अपनी एसओपी उसी एजेंट से रीलॉन्च करवा ली दिल्ली में किसी कंसल्टेंट से. देन 2019 में फिर इनकी रिफ्यूजल लग गई और फिर इन्होंने डिग्री स्टार्ट कर दी ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, कुछ इनका बैचलर्स इन्होंने स्टार्ट किया विद संस्कृत और फिर इन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया 2021 में. नाउ दे हैव गॉट द रिफ्यूजल इन 2022 बेसिकली. मैंने पहले आपको 2021 कहा था. सो डिग्री के साथ अब फिर से ये जस्टिफाई करना कि ये क्यों डिप्लोमा प्रोग्राम में जाना चाहते हैं एंड द डिप्लोमा प्रोग्राम इज अगेन totally change, it's not early childhood, एक different ही category का जो है diploma दे दिया गया. So इस तरह से ये profile को spoil कर दिया गया है already and they still want to go for Canada because इनके अपने relatives हैं Canada में, इनका अपना brother भी है. तो कहीं ना कहीं ये profile, ऐसी profiles और भी बहुत सारे बच्चों की होगी जो कि इस तरह की situation से निकलते हैं जहां पे they put everything you know on consultant, they just keep it with them और बाद में उनको लगता है, realize होता है कि काश हमने अपनी फाइल पे थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो हमारा वीजा आ जाता. सो अगर आपका भी ऐसा प्रोफाइल है तो आई एम स्टिल टेलिंग यू दैट यू आर एलिजिबल और चांसेस आर देयर. ऑल्दो आपके चांसेस जो है वो 60-40 का हम या 50-50 का लेके चल सकते हैं, बिल्कुल इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसमें चांसेस कम है, बट अगर ये प्रोफाइल ब्यूटिफुली पोर्ट्रे की जाए इन फ्रंट ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर सही तरीके से, अगर सारे गोल्स बच्चे के, जो कि बच्चा एक्चुअल में स्टडी करने वाला है, अगर ये सारे गोल्स और सारी चीजों को और मिस्टेक्स को कमिट करके ये एसओपी एक तरीके से सबमिट की जाए, केस सबमिट किया जाए, तो ये केस निकलने के चांसेस हो सकते हैं. सो अगर आपका भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस एंड देयर इज अ हेड्स अप फॉर दिस प्रोफाइल, इट कुड बी डन. ऑल्दो द चांसेस आर लेस, बट अगर ठीक से की जाए तो डेफिनेटली प्रोफाइल निकल सकता है.
Now we'll talk about another profile. This profile is for, this is a good profile. Basically नेहा नेम है इनका एंड इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स किया हुआ है पोल साइंस एंड इंग्लिश में एंड एमए किया हुआ है एंड दैट इज इन 2014. साथ में अगर मैं बात करूं इनकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ इनका जो एक्सपीरियंस है वो है 2009 से लेके 2014 तक टीचिंग का और फिर से 2017 से लेके इन्होंने कंटिन्यूसली टीचिंग में वर्क किया है. राइट, सो बैंड्स अगर मैं देखूं तो बैंड्स बहुत अच्छे हैं. बैंड्स इनके हैं लिसनिंग में 8.5, राइटिंग में 7 एंड देन वी हैव स्पीकिंग 8, रीडिंग 7.5 एंड ओवरऑल 8. सो आप देखो कि 8777 स्कोर्स इनके पास है. व्हाट एल्स दे रिक्वायर. 8777 के साथ इनका 418 स्कोर बन जाता है सीआरएस बिकॉज एज में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया है. एज के करके जो स्कोर्स है उनमें देयर इज अ लिटिल बिट डाउनफॉल. अब बात ये आती है कि दे आर ऑब्वियसली दे वर लुकिंग फॉर एक्सप्रेस एंट्री क्योंकि जिसने भी 8777 किया आई बिलीव दैट कि उनकी तैयारी एक्सप्रेस एंट्री की थी. पर क्या ये प्रोफाइल अब आज की सिचुएशन में पीआर के लिए अप्लाई हो सकती है? सो यस, दिस प्रोफाइल इज क्वाइट गुड फॉर पीएनपी बट हाउ इट हैज टू बी अप्लाइड वो मैटर करता है. शी हैज गॉट सर्टन गुड पॉइंट्स इन हर प्रोफाइल विच इज मास्टर्स विच इज हर आईएलटीएस स्कोर विच कुड बी यूटिलाइज्ड यू नो वेरी वेल फॉर द प्रोफाइल. और कैसे ये प्रोफाइल पीआर के लिए अप्लाई हो सकती है दैट इज अ टेक्निकल नो हाउ बट डेफिनेटली अगर मैं बात करूं ये प्रोफाइल एलिजिबल है. सो आप भी अगर ऐसी प्रोफाइल में फॉल करते हैं जहां पे आपका सीआरएस 400 से ऊपर है, मास्टर्स आपने किया हुआ है एंड आपके 8777 स्कोर है तो उसको एक्सपायर ना होने दें. जस्ट अ मोमेंट, गेटिंग कॉल इन बिटवीन. यस, सो इफ यू हैव 8777 स्कोर देन डोंट लेट दैट यू नो बी एक्सपायर्ड. डेफिनेटली आप अभी के अभी पीएनपी अप्लाई कर सकते हैं. पीएनपी में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी. जो आपकी ड्यूटीज होती है उसको किस तरीके से जस्टिफाई करना है, किस एनओसी में आपका जो एलिजिबिलिटी है बन सकता है बिकॉज शी इज अ प्राइमरी टीचर. नाउ प्राइमरी टीचर का काफी जगह पे स्कोप मिल जाता है, एज इट इज नहीं होता है. देर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे शेयर करूं कि अर्ली चाइल्डहुड की हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में प्राइमरी वाले फॉल करते हैं एंड जिनका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा वास्ट है वो काफी सारे अदर प्रोविंसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं इन अ डिफरेंट कैटेगरी. अर्ली चाइल्डहुड हो गया, देयर सम डेवलपमेंट यू नो काइंड ऑफ एनओसीज जहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ऑल ये थोड़ा सा हायर डिमांड में आ जाते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी टीचर, किंडरगार्टन टीचर. और वहां पे इन एनओसी को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर योर एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली पीएनपी जो है वो थ्रू किया जा सकता है. सो द पॉइंट इज कि जरूरी नहीं है कि आप अगर डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप एलिजिबल है पीएनपी में. समटाइम्स इट्स योर सेट ऑफ ड्यूटीज जो कि ये डिफाइन करता है कि आप किस प्रोविंस में किस एनओसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. सो डेफिनेटली प्राइमरी टीचर्स इफ यू हैव गॉट 8777 बैंड्स, क्योंकि नॉर्मली टीचर्स के पास बहुत अच्छे आईएलटीएस बैंड्स होते हैं दैट आई हैव यू नो कम अक्रॉस इन लास्ट फ्यू इयर्स. तो अगर आपके आईएलटीएस बैंड बहुत अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें. पीएनपी में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी, पॉइंट बेस में मिल जाएगी जिनके पास 400 प्लस पॉइंट्स है. जॉब ऑफर भी कंपल्सरी आपको नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी. राइट, सो देयर इज अ हेड्स अप फॉर दिस प्रोफाइल ऑफ नेहा. देन लेट्स go ahead with another profile. So basically इनके पास ग्रुपिक नेम है इनका and they have done BTech. तो BTech वाले जितने भी लोग हैं they could you know get some idea from this particular profile. BTech इन्होंने 2017 में किया हुआ है and after 2017 कंटिन्यूसली ये काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में. सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी इनका एक्सपीरियंस रह चुका है, जावा डेवलपर का भी रह चुका है. करंटली ये जो है एम्प्लॉयड है आईटी में. राइट, सो बैंड्स की अगर हम बात करें तो आईएलटीएस बैंड है लिसनिंग में 8.5, राइटिंग में 7, स्पीकिंग में 6.5 एंड रीडिंग में 6.5. सो दो मॉड्यूल इनके जो है उनमें ये 7 नहीं ले पाए जिसकी वजह से इनका स्कोरिंग कम हो गया. अदरवाइज इनका स्कोरिंग जो है वो सीएलबी 8 की कैटेगरी में आता है जहां पे आपके सभी में 6.5 है और लिसनिंग में 7.5 या अबव है. तो दे आर हैविंग सीएलबी 8.
नाउ टॉकिंग अबाउट पीएनपी, क्या इनका एक्सप्रेशन भी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, पीएनपी हो सकता है या नहीं, अगर वहां बात करें तो 2017 प्रोफाइल है, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस भी वास्ट नहीं है जिसे यूटिलाइज किया जा सके, यू नो प्रोविंसेस लाइक सास्केचवन। और इफ यू टॉक अबाउट यू नो आयल्स, तो आयल्स में भी इनके बैंस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, दैट इज वाई इनको एज इट इज प्रोफाइल पे हम पीएनपी नहीं सजेस्ट करेंगे अनलेस दे आर गोइंग फॉर द जॉब ऑफर प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो आईटी सेक्टर वाले लोग हैं वो अल्बर्टा का जो टेक्निकल प्रोग्राम आया है टेक पायलट उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं विद जॉब ऑफर, डेफिनेटली आपको उसमें जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वी आर ऑल्सो डीलिंग इन दैट, तो आप उसके लिए कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो एज इट इज जो गुरप्रीत का प्रोफाइल है विथ 6.5 in 2 मॉड्यूल्स, 7 in 1 एंड 8.5 in लिसनिंग, इसके साथ शी इज नॉट एलिजिबल फॉर पीएनपी विच इज अ पॉइंट बेस्ड पीएनपी, बट शी इज एलिजिबल फॉर अ प्रोसेस विच इज विद जॉब ऑफर। सो अल्बर्टा का ये जॉब ऑफर प्रोसेस कर सकते हैं बहुत इजिली, बीसीपीएनपी में भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर आर फ्यू अदर प्रोग्राम्स वेयर शी कुड अप्लाई विद जॉब ऑफर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर ये जॉब ऑफर के साथ ना करना चाहें और सिर्फ पॉइंट बेस्ड पे करना चाहें तो इनके पास क्या ऑप्शन है। सो उसमें अगर हम बात करें, शी हैज टू इम्प्रोवाइज हर स्कोर, और यहाँ पे इनको अपना स्कोर जो है दैट हैज टू बी 8777। ये 8777 इन्हें एक्सप्रेस एंट्री नहीं क्लियर करने के लिए लेना है, ये 8777 इन्हें अपना पीएनपी क्लियर करने के लिए लेना है। सो आफ्टर दैट शी वुड बी हैविंग यू नो लाइक चांसेस इन नोवा स्कोशिया और ओंटारियो काइंड ऑफ प्रोविंसेस, और डेफिनेटली 8777 के साथ इनका केस निकल सकता है अंडर पीएनपी पॉइंट बेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि जो प्रोफाइल्स अभी रीसेंट हम कह सकते हैं पास आउट है, 17-18 में पास आउट है, उनके लिए पॉइंट बेस्ड के लिए ऑप्शन तब तक नहीं बनेगी स्पेशली बैचलर्स के साथ जब तक आपका एक आयल्स स्कोर जो है वो काफी अच्छा ना हो। सेम पे अप्लाई करना चाहेंगे तो यू विल बी हैविंग जॉब ऑफर प्रोसेस, राइट। सो दिस इज द पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस कि अगर कोई भी टेक सेक्टर से है, किसी का भी प्रोफाइल टेक सेक्टर में है और बैंस जो है वो 8777 नहीं आ पाए हैं, बैचलर्स डिग्री है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगी, एक इम्प्रूव करके आयल्स को और दूसरी ये। तीसरी अच्छी ऑप्शन इनमें क्या है, हाई रमन प्रीत जी इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग यू कैन हैव ए क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन। सो तीसरी ऑप्शन इनके पास एक और बहुत अच्छी है जिसमें जल्दी माइग्रेट कर सकते हैं कैनेडा में, विच इज ऑफ स्टडी वीजा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट इनका स्टडी वीजा का रह सकता है बिकॉज आईटी सेक्टर में है, इन्होंने टेक्निकल सारी क्वालिफिकेशन ले ली है, एमबीए प्रोग्राम के लिए ये डेफिनेटली जा सकते हैं, 17 पास आउट है, और पीजी डिप्लोमास के लिए भी जा सकते हैं अगर अच्छे डिप्लोमास चूज किए जाए विच हैज अ वेटेज, राइट। तो बैंड्स भी ये जनरल में बढ़िया है तो एकेडमिक में भी ले लेंगे इक्वलेंट 6.5 तक, एंड उसके साथ ये स्टडी वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो तीनों ऑप्शन कैनेडा के लिए इनको मिल जाती है, स्टडी वीजा विद जॉब ऑफर पीएनपी और विदाउट जॉब ऑफर पीएनपी विद इम्प्रोवाइज स्कोर ऑफ आईएलटीएस, राइट। सो हियर वी आर डन विद दिस प्रोफाइल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोफाइल विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है बेसिकली, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे और भी प्रोफाइल्स होंगे जहां पे एज जो है, द एज इज बेसिकली आई एम गोना कैलकुलेट इट, 47 ईयर्स एज है, पीआर में इंटरेस्टेड है। नाउ आई विल टेल यू व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन पीआर एट द एज ऑफ 47। इनका क्वालिफिकेशन बैचलर्स है नॉर्मल, 1996 में इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, और 2002 से लेके करंट अभी तक ये जो है वो रिटेल मैनेजर का इनका अपना, मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी सेल्फ एम्प्लॉयड है ऑक्यूपेशन, और फर्म है इनकी अपनी वेयर ही इज वर्किंग एज अ रिटेल पर्सन, तो रिटेल मैनेजर का एनओसी आप लेकर चल सकते हो इनका। नाउ द पॉइंट इज दैट आयल्स कर सकते हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट द पॉइंट इज इशू इज यू नो द आयल्स, इनका बेटा जो है वो 22 ईयर्स का होने वाला है इन द अपकमिंग ईयर में भी, इनका 2023 एंड तक जो है बेटा 22 ईयर्स का हो जाएगा। सो मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रोफाइल आती है जहां पे हम लोग देखते हैं कि जब बच्चों की एज ऑलमोस्ट स्टडी कनाडा में करने की हो जाती है, या फिर वो जो माइनर वाला ऑप्शन है कनाडा 22 ईयर्स बिलो में जो है वो माइनर को लेकर चलता है। सो जब तक आप अपने एप्लीकेंट को ऐड करने की सोचते हो तब तक बच्चे की एज जो है वो एक्सीड कर जाती है और उसको एज अ सेपरेट इंडिविजुअल कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ता है। तो एक तो इन्होंने बहुत लेट कर दी, बहुत देर के बाद इन्होंने सोचा कि पीआर करना है, बट क्या आज भी ये एलिजिबल है, क्या ये अपने बेटे के 22 इयर्स कंप्लीट होने से पहले पहले पीआर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर इन्होंने पीआर अप्लाई कर दी तो इनकी एज हो जाएगी लॉक एंड जो बेटे की एज है, एंड देन
बेटा जो है चाहे वो 22 के अबव भी हो जाता है, ही वुड बी एबल टू यू नो ट्रेवल विद देम ऑन अ पीआर बेसिस. सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है ये प्रोफाइल, बट इसमें भी इनके पास ऑप्शन रहेगी डेफिनेटली अप्लाई करने की. इनके लिए तो बेस्ट प्रोग्राम रहेगा दैट कुड बी यू नो ओंटारियो प्रोग्राम. ओंटारियो में ये कर सकते हैं अप्लाई, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस को साथ में सामने रख के विद जस्टिफिकेशन विद दैट प्लानिंग. ओंटारियो पीएनपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी एज 45 से भी अबव हो चुकी है. लास्ट मैंने इतना एक लाइव सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि 44 इयर्स तक तो एक्सप्रेस एंट्री में भी एलिजिबिलिटी बन जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड आयल्स एंड यू नो मास्टर्स. 44 के बाद पॉइंट्स बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं. सो देयर वी कैन नॉट गेट यू नो एनी पॉइंट्स फॉर एज इन सीआरएस. तो उसके करके आप ओंटारियो पीएनपी को चूज कर सकते हैं. आपके पास ऑप्शन रहती है, एज का कोई मैटर नहीं है बिकॉज ओंटारियो पीएनपी में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ऑफ जॉब ऑफर. सो ये भी अपना ओंटारियो प्रोविंस में पीएनपी अप्लाई करवा सकते हैं ऑन दिस यू नो प्रोफाइल विद दिस 47 ईयर्स ऑफ एज, और बेटे के 22 ईयर्स टर्न होने से पहले पहले ये अपना प्रोसेस डन कर सकते हैं. ओंटारियो में सबमिशन जो है वो बहुत जल्दी पीआर की हो जाती है, विद इन 6 मंथ्स हम कह सकते हैं. उससे पहले पहले पीआर आपकी विद नॉमिनेशन सबमिट हो जाएगी. रिजल्ट कुड टेक यू नो 6 मंथ्स टू 1 ईयर. वैसे नॉर्मली उसका टाइमिंग ज्यादा है, बट अभी रिस्पॉन्स जो है ओंटारियो पीएनपी की प्रोफाइल पे जल्दी आने वाले पीआर के. राइट, सो हियर वी आर डन विद दिस प्रोफाइल ऑल्सो, विच मीन्स की 47 ईयर्स वाले पर्सन भी जिनके बेटे की एज या बच्चों की एज जो है वो कनाडा में जाके स्टडी करने की हो गई है या पीआर अप्लाई करने की हो गई है, दे कैन ऑल्सो यू नो अप्लाई देयर ओन पीआर एट द मोमेंट. उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वन मोर प्रोफाइल. आई हैव वन मोर प्रोफाइल आफ्टर दिस, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो पीआर के अपडेट्स हैं कि किन किन प्रोग्राम्स में करंटली ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको. सो कौन कौन इस टाइम पे कनेक्टेड है लाइव सेशन में? रुपिंदर, ये रुपिंदर का प्रोफाइल है. सो रुपिंदर जी ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है 2014 में, एंड उसके बाद इनकी स्टाफ नर्स की जॉब है मैक्स हॉस्पिटल में. इट्स अ क्वाइट यू नो गुड ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से. तो अच्छा इनका एक्सपीरियंस है काफी स्टाफ नर्स का. एंड बैंड्स अगर इनकी मैं बात करूँ जनरल के, तो दैट इज लिसनिंग 7.5, राइटिंग 6.5, स्पीकिंग 7 एंड रीडिंग 6.5. अब यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहते थे अबाउट कैनेडा पीआर ऑप्शंस. ऑल्दो वी डू हैव कैनेडा पीआर ऑप्शन ऑन सच प्रोफाइल. जो लोग स्टाफ नर्स हैं जिनके पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम है और स्टाफ नर्स का एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली एलिजिबल है हमारे अकॉर्डिंग कैनेडा पीआर अप्लाई करने के लिए. नोवा स्कॉशिया पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई आप कर सकते हैं विद जॉब ऑफर. बहुत सारी फाइल्स इस टाइम पे सबमिटेड भी है ऑलरेडी, एंड बहुत जल्दी वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनकी पीआर अप्रूव भी हो जाएगी. फाइल नंबर ऑलरेडी असाइंड है. सो इन दैट कैटेगरी जो मेन चीज रहेगा दैट इज गोइंग टू बी वेटिंग पीरियड, क्योंकि जो ये नर्सिंग की फाइल्स है काफी टाइम से हमने देखा है कि पर्सनल सपोर्ट वर्कर में बेसिकली फाइल्स लगती हैं बीएससी नर्सिंग वाली, और ये काफी एक डेढ़ साल हो गया है. इन फाइल्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है चाहे शॉर्टेज कनाडा में बहुत है. सो जो टाइमिंग्स है वो जिस तरह से इंक्रीज हुए इस तरह की फाइल में, तो वी हैव स्विच्ड द फाइल्स टू यूके वर्क परमिट्स ऑल्सो. जहां पे जो लोगों ने अभी काउंसलिंग ली रिसेंटली, उनको ये भी चीजें सजेस्ट की गई कि यूके में आप जो है सपोर्ट वर्कर की कैटेगरी में डायरेक्टली वर्क बेसिस पे जा सकते हो आप, और वहां पर जाने के बाद आप अपना वर्क करके अगर आपको लगता है कि आपको मूव होने की जरूरत है कैनेडा, तो मूव भी हो सकते हो, या फिर आपको गवर्नमेंट में भी अपकमिंग जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करें. सो बहुत ईजी है कि अगर आपके पास बी एस सी नर्सिंग है और आपके पास या जीएनएम है या एएनएम है एंड यू हैव गॉट यू नो एक्सपीरियंस एज अ स्टाफ नर्स, तो आप डेफिनेटली यूके का भी सोच सकते हो विद फैमिली स्पाउस और बच्चों के साथ. आप जो है वो माइग्रेट कर सकते हो सीधा वहां पर जाकर. आपको लैंड करना है ऑन योर वर्क, एंड वहां पर वर्किंग के बाद 3 साल का आपको अप्रोक्सीमेटली इसमें वीजा मिलता है, और 3 साल के बाद आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप आगे कैनेडा भी मूव कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस. और यूके में एक्सपीरियंस गेन करना दैट इज क्वाइट अ यू नो गुड थिंग आई वुड से. जो प्रोफाइल्स में स्टार्स एड कर देता है, तो प्रोसेस टाइमिंग का अगर इश्यू नहीं है, टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है, तो कैनेडा यू कुड गो. बट वैसे भी इफ यू जस्ट सीकिंग सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, तो आप यूके का भी
ऑप्शन में जा सकते हो। जो लोग स्टडी वीजा करते हैं यूके का आफ्टर बीएससी नर्सिंग, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। सो यूके वीआई आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट इसमें रहेगा 5.5 ईच, एंड विद दैट यू कैन अप्लाई। तो एक तो ऑप्शन इनके लिए वो हो गई कि यूके में बीएससी नर्सिंग के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इनके लिए क्या आ जाता है, स्टडी वीजा ऑब्वियसली हम नहीं इसमें बीएससी नर्सिंग में करेंगे, क्योंकि बहुत कम वीजाज जो है वो रहते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद। एंड एक और चीज है कि यूके में ये जो ऑप्शन आई है, दिस इज फॉर आई थिंक लिमिटेड पीरियड रहेगी। अभी रिसेंटली दिसंबर में ये अपडेट आया था। तो ओईटी और 7 ईच बैंड्स की रिक्वायरमेंट रहती थी पहले, अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट नाउ यू कैन अप्लाई इवन विद 5.5 बैंड्स ईच, एंड कोई भी ओईटी टेस्ट, एडिशनल टेस्ट आपको देने की नहीं जरूरत है। यू आर गोइंग विद द यूके वीआईएलटीएस, राइट? सो इसके अलावा जो लोग बीएससी नर्सिंग या जीएलएम के बेसिस पे कनाडा ही जाना चाहते हैं, उनके लिए नोवास्कोशिया पीएनपी है। जॉब ऑफर के साथ सारा प्रोसेस रहता है, और प्रोसेस की टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो सकती है, लाइक एक साल से लेके डेढ़ साल तक, इंक्लूडिंग आर ओन यू नो प्रोसेसिंग टाइमिंग। तो बट रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली इसमें मिल सकते हैं। फिर से ओपनिंग्स आ गई हैं, इफ यू डू हैव यू नो दिस अर्ज टू यू नो गेट सेटल्ड इन कैनेडा ऑन दिस बेसिस, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। विद फैमिली अप्लाई होगा, विद फैमिली वीआर अप्रूव होगी। सो हियर वी आर डन विद वन मोर प्रोफाइल। दिस इज द लास्ट प्रोफाइल विच वी आर गोना डिस्कस टूडे, एंड ये प्रोफाइल है, इन्होंने इन्होंने भी बीएससी और एमएससी नर्सिंग किया हुआ है बेसिकली, एंड 2013 से लेके इन्होंने 18 तक जॉब की है। बेसिकली इनका जो बीएससी नर्सिंग था, जीएनएम था, वो 2013 में फिनिश हो गया था। फिर 2013 से लेके इन्होंने 18 तक नर्सिंग का जॉब किया है। फिर उसके बाद इनका इन्होंने एमएससी नर्सिंग कर लिया, और 2020 से लेके टिल डेट तक इन्होंने फिर से दोबारा स्टाफ नर्स की जॉब की है। तो प्रॉब्लम कहां पर है, इफ शी इज यू नो क्वालिफाइड, 1990 बॉर्न है, तो इतना एज का भी कोई इशू नहीं है, एमएससी नर्सिंग भी किया हुआ है, स्टाफ नर्स का एक्सपीरियंस भी है। प्रॉब्लम आती है इनके बैंड्स पे, विच इज सीएलबी 5। इनका 5 जो सीएलबी है, दैट इज क्रिएटिंग इशू। करना ये पीआर चाहते हैं, और दे वॉन्ट टू गो फॉर यू नो टेम्परेरी वीजा इन कैनेडा, और जो कनाडा की रिक्वायरमेंट इस टाइम पे चल रही है फॉर पर्सनल सपोर्ट वर्कर कैटेगरी, जो हम करते हैं बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम पे, उसमें 5.5 ईच का रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा ही रखने की जरूरत होती है इफ यू वांट टू गेट अ यू नो प्रॉपर सक्सेस ऑफ योर वीजा। तो ये अपने बैंड्स इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट आई थिंक फॉर देम इट वुड बी इजी फॉर टू यू नो गो फॉर यूके वीआईएलटीएस विद 5.5 ईच बैंड्स। इसके साथ ये भी अपना यूके का प्लान कर सकते हैं। सो अगेन दिस प्रोफाइल इज ऑल्सो गुड फॉर यूके। थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड है, तो ये चीज को मैनेज कर चलना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें कैनेडा पीआर की, तो कैनेडा पीआर के लिए ये प्रोसीड कर सकते हैं। सो दीज वर द प्रोफाइल। दो प्रोफाइल्स जो है ये एमएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग की रही है। एक हमने देखा कि 47 ईयर्स की प्रोफाइल थी, जिसमें कि उनका बेटा भी 22 ईयर्स का टर्न होने वाला था इन 2023 एंड। और फिर हमने एक और प्रोफाइल देखी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर का, जिनका एक्सपीरियंस है, बीटेक किया हुआ है 2017 में। ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से एसआईएलपीएन ऑल प्रोविंसेस में नहीं इनका निकल सकता है प्रोफाइल, बट द प्रोफाइल वाज गुड फॉर पॉइंट बेस्ड सिस्टम विद 8777 बैंड्स या फिर स्टडी वीजा। एंड देन वी हैड वन मोर प्रोफाइल जहां पे बैंड्स बहुत अच्छे थे, मास्टर्स की हुई थी, टीचिंग का एक्सपीरियंस था, 418 स्कोर होने के बाद एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल भी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। सो कैसे ये होनी है पीएनपी, उसके लिए दे हैव टू यू नो गेट अ काउंसलिंग एंड अप्लाई। और एक हमने देखा कि कैनेडा स्टडी वीजा किस तरीके से बच्चे का प्रोफाइल जो है वो स्पॉइल हुआ है। इन्होंने दिल्ली में अप्लाई किया था 2019 में, इन्होंने अपनी प्लस टू की थी, 3 बार बैक टू बैक रिफ्यूजल्स इनकी आ रही है, जबकि सीबीएसई का बच्चा है, परसेंटेज इज टू गुड, आयल्स बैंक बहुत अच्छे हैं, लेकिन वीजा नहीं ले पा रहे। सो इससे भी किया जा सकता है, 3 प्रोफाइल्स गलत तरीके से रिफ्यूज हुई, फिर भी इसको किसी तरीके से प्रेजेंट करके, अपील करके ये केस जो है वो थ्रू किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज प्रोफाइल्स। अगर आपके भी प्रोफाइल में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप डेफिनेटली हमारे लाइव सेशन में कनेक्ट हो। कोशिश करूंगी कि 6 से 6:30 बजे के बीच में डेली जो है वो मैं जितना भी पॉसिबल हो पाए प्रोफाइल्स को आपके साथ डिस्कस करूं, और अगर किसी की भी लाइव क्वेरीज है तो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। सो इस टाइम पे जो हमारे पास ऑप्शंस चल रही है, आई वुड लाइक टू गिव अ क्विक रीकैप फॉर ऑल द पीआर प्रोसेस व्हिच वी आर रनिंग राइट नाउ।
सबसे पहले तो एक्सप्रेस एंट्री की अपडेट दे दूं मैं आपको कि एक्सप्रेस एंट्री में कुछ भी फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है. जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि कोई ड्रॉ नहीं रहे हैं दिसंबर 2020 के बाद, और अभी एक्सपेक्ट करना भी जो है वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ड्रॉ आता भी है तो इट वुड बी एट अ वेरी हाई स्कोर जो कि नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है विदाउट अ एलएमआई और यू नो रिलेटिव स्कोर. तो ये प्लान आप ड्रॉप कर दें अगर आप अभी भी एक्सप्रेस एंट्री का वेट करें. पीएनपी में जल्दी से क्विकली अपना प्रोफाइल मूव करवाएं. पीएनपी में डेफिनेटली बहुत सारा स्कोप है. ओंटारियो आपका हो सकता है. अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा हाई कैटेगरी की है, मींस यू हैव मास्टर्स, यू हैव गुड एज, यू हैव गॉट 777 बैंड्स, तो ओंटारियो में डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा. अगर आपका प्रोफाइल नहीं उतना उस लेवल का है पर फिर भी मास्टर्स है, सीएलबी 8 है या 6 है, यू कुड डेफिनेटली ट्राई फॉर एसआईएनपी प्रोग्राम. जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए. जॉब ड्यूटीज कई बार आपकी मोर देन 1 NOC के लिए एलिजिबल होती है. देन जिनकी उससे भी ज्यादा लो प्रोफाइल है, जिनका 6 ईच है, सीएलबी 8 भी नहीं ले सकते हैं, दे कैन गो फॉर अल्बर्टा प्रोग्राम, दे कैन गो फॉर यू नो फ्यू अदर प्रोग्राम्स. एंड जिनके 6 ईच भी नहीं है, जिनके 5.5 बैंड्स हैं किसी भी एक या दो मॉड्यूल में, उससे भी कम है, दे कैन ऑल्सो हैव ऑप्शन फ्रॉम ओंटारियो. और आपको नोवा स्कॉशिया के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको AIPP अटलांटिक प्रोग्राम के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको LMI के भी ऑप्शन मिल जाएंगे. सो ऑल काइंड ऑफ कैटेगरीज आर कवर्ड. जिनका प्लस टू भी है एंड दे वॉन्ट टू यू नो अप्लाई फॉर कैनेडा, तो वो LMI के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. एंड ऑल काइंड ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल राइट नाउ. सो वट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर कैनेडा परमानेंट रेजिडेंस, डू कॉल अस एट 8566028008, और यू कैन हैव एन अपॉइंटमेंट डायरेक्टली विद मी ऑल्सो. फॉर दैट ऑल्सो कॉल एट आर हेल्पलाइन नंबर 8566008566028008. Try to get the appointment before coming so that you don't have to wait. And अगर आप हमारे काउंसलर्स के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो सेम हेल्पलाइन नंबर पे आपको अप्लाई करना है. Nishu, right, we can have the questions now. So Nishu, आपने MA BEd किया हुआ है, 3+ years का experience है, and let me just read your whole profile. पहले तो आपने MA किया हुआ है, 10 good masters आपका है. Whether you have got the ECA done for it or not. And you are a kindergarten teacher, that's quite good, because teacher के साथ अगर आप kindergarten teacher हैं तो ज़्यादा scope आपका रहता है. Age आपकी 37 है, no issues. IELTS overall 5.5 है. IELTS 5.5 है, काफ़ी सारे modules में IELTS 5.5 है, right? मुझे Nishu एक चीज़ बताइए कि क्या आप अपने scores improvise करने के लिए ready हैं? यू वॉन्ट द ऑप्शन ऑन द सेम स्कोर, लाइक यू हैव क्विट कि आपको नहीं इम्प्रोवाइज करना या नहीं हो पा रहा है आईएल्स का, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर पाऊंगी. इसीए डन है, दैट्स क्वाइट गुड. मास्टर्स का इक्विवेलेंसी आया आपका? Nishu, मास्टर्स का इक्विवेलेंसी है नेक्स्ट एग्जाम 26 फेब को. ओके, यू आर ऑलरेडी इम्प्रोवाइजिंग, दैट्स क्वाइट गुड. सो अगर आपका मास्टर्स का इक्विवेलेंसी है और आप आईएलटीएस भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और आप अच्छे बैंड्स लेकर दे सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली सीएलबी 8 अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम, तो आई कैन डेफिनेटली सी सम गुड ऑप्शंस ऑफ यू नो लाइक पॉइंट बेस्ड. सो यू गॉट मास्टर्स इक्विवेलेंसी, देन आई वुड नॉट सजेस्ट यू पॉइंट बेस्ड हियर. द बेस्ट ऑप्शन कुड बी फॉर यू इज LMI में आप अप्लाई कर सकते हो. अर्ली चाइल्डहुड की LMIs आ भी रही हैं और सबमिशंस भी हो रही हैं. टेम्परेरी वीजा आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने BEd किया हुआ है, BEd कौन से ईयर में Nishu आपका? Nishu, could you please tell me the pass out year for your BEd? 2006. Okay, so आपका last qualification, ये आपने last में किया है BEd? कि इसके बाद भी कोई qualification है आपका?
2006 पीरियड है अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसके बाद 2009 में है तो बात बन सकती है स्टडी वीजा की भी, पर फिर अगेन आपको एकेडमिक आईएलटीएस करना पड़ेगा। तो दो ही ऑप्शंस हैं अभी जो कि ज्यादा अच्छे से हम सोच सकते हैं। वन इज दिस एंड मैं 2009 CLB 8 आ जाता है निशु, तो डेफिनेटली मैं आपको और भी पॉइंट बेस्ड ऑप्शंस दे पाऊंगी, बट चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। अगर मास्टर्स आपकी इक्विवेलेंसी आई होती तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी। आई वुड स्टिल लुक इनटू योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मे बी इसका कुछ ईसीए का हम चांसेस ले सकते हैं दैट वी कुड गेट यू नो मास्टर्स इक्विवेलेंसी। मास्टर्स हो जाए CLB 8 हो जाए, योर फाइल इज परफेक्ट फॉर अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। मास्टर्स नहीं है बैचलर्स है, बैचलर्स के साथ आपके ये स्कोर या फिर 6 स्कोर होते हैं तो फिर हमें LMI ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा। एंड इफ यू गेट यू नो एकेडमिक स्कोर तो मैं आपका स्टडी वीजा का भी डेफिनेटली सोच सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। रिसेंटली हमारे काफी सारे ऐसे वीजाज रहे हैं, यू कुड इवन चेक ऑन फेसबुक, जहां पे BA 2009 में था, BA 2010 में था, उसके बाद मास्टर्स भी थी और वीजाज अप्रूव हुए हैं। सो MBA प्रोग्राम के लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं। डू यू हैव एनी कनेक्शन इन मैनिटोबा? स्कोरिंग वैसे हाई रहेगा, उसमें बात बनेगी नहीं। निशु आप प्लीज मुझे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेंड करें, नहीं है तो फिर मैनिटोबा नहीं, हम डेफिनेटली नहीं सोच सकते हैं। आपके लिए ही बेस्ट ऑप्शंस रहेंगी। CLB 8 के साथ अगर हम करते हैं तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली मास्टर्स को इक्विवेलेंसी लेकर पॉइंट बेस्ड में आपका बहुत अच्छे से PNP निकाला जा सकता है, नहीं तो फिर स्टडी वीजा और यू नो दिस जॉब ऑफर प्रोग्राम LMI प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच निशु फॉर योर क्वेरी, अगर आपकी इसके बाद भी कोई क्वेरी होती तो डेफिनेटली आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू आफ्टर द लाइव सेशन थ्रू माय टीम मेंबर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं हेल्पलाइन पे एंड वहां से भी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू। ओके वरुण हाय, वी हैव दिस क्वेरी फ्रॉम वरुण। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर BCA ग्रेजुएट इन 2015, शुड आई गो फॉर PR स्टूडेंट वीजा? वरुण अगर आप एक जेन्युइन एडवाइस चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद स्टूडेंट वीजा, एंड दैट टू IT सेक्टर में आप जाना चाहते हैं स्टडीज में, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्वाइट यू नो ओके फॉर यू। क्योंकि अगर आप PR अप्लाई करते हो तो वरुण बैचलर्स के साथ वही दिक्कत आएगी, पॉइंट बेस्ड में प्रॉब्लम आएगी, या तो बहुत हाई स्कोर लेना पड़ेगा फॉर दैट पर्पज यू नो 8777, फिर भी हमें 100% श्योरिटी नहीं हो पाएगा पॉइंट बेस में। या फिर क्या तरीका है कि जॉब ऑफर के साथ आप अप्लाई करें, तो जॉब ऑफर में अगर आप करते हो अभी अल्बर्टा टेक पायलट प्रोग्राम है, वी हैव BCPNP ऑल्सो, तो वहां पे आपको एक प्रोसेसिंग टाइमिंग जो लगेगा सारा कुछ करने में विद अ रिजल्ट, एक साल तो कहीं भी नहीं गए, लाइक एक साल यू कैन एक्सपेक्ट। थोड़ा स्ट्रेच भी हो सकता है, एक साल से डेढ़ साल तक भी प्रोसेस कई बार अप्रूवल का चला जा रहा है PR का। अभी रिसेंटली वैसे तो अपडेट हो गया है कि 6 में जो है वो केसेस अप्रूव होंगे, तो ये टाइमिंग इज ओनली कॉन्स्टेंट एंड जॉब ऑफर के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो। बट जल्दी से जल्दी अगर माइग्रेट करके अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो आप PR की, तो वहां पे स्टडी वीजा से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपका सक्सेस रेट भी आएगा वीजा का, आप वहां पर कंप्लीट करते ही MBA यू हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर PR, हाउ एंड यू नो व्हेन, वो आपको सारी चीजें काउंसलिंग में क्लियर कर दी जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्टडी वीजा फर्स्ट। No issues, I can understand because the people who are basically bachelors or masters, उनको ये doubt रहता ही है कि इतना सारा experience होने के बावजूद भी why we should go for study visa? But मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जितना time आप यहाँ भी wait करेंगे, you'd be even you know getting a degree in Canada, और Canada में degree के साथ साथ आप अपना experience भी gain कर रहे होंगे part time, and internships and all would definitely add you know feathers to your cap। और जितने टाइम आपको वेट करना है बाय दैट टाइम आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा एंड PR आपकी डेफिनेटली BC में हो जाएगी, ब्रिटिश कोलंबिया के आपको ऑप्शन मिल जाएगी स्टडी की। तो एक बार आप इसके लिए भी काउंसलिंग लीजिए एंड देन अगर आपको फिर भी लगता है कि PR में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। रुचिका हाय रुचिका, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, मास्टर्स ग्रेजुएटेड। ओके मास्टर्स कौन सी स्ट्रीम है रुचिका आपका?
रुचिका, आपका मास्टर्स कौन सी स्ट्रीम में है? इज इट इन एमकॉम? कॉमर्स, ओके। सो ये एमकॉम है आपकी, और आपने कौन से ईयर में किया है? रुचिका, आपने जो पास आउट ईयर भी क्लियर कर दे, वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, दैट्स गुड। आईएएस आपका बैंक बहुत अच्छे हैं। 2000, कैन वी हैव योर पास आउट ईयर? 2019, 2019 के साथ रुचिका एमकॉम आपने किया हुआ है। वैसे तो आप हाईली अकॉर्डिंग टू मी क्वालिफाइड हैं। वैसे एमकॉम वालों को भी ऑप्शंस मिल रही हैं इस टाइम पे एमबीए की, तो ऑन दैट नोट आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मास्टर्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है इंडिया में, और है भी आपका एमकॉम एंड एमबीए इज नॉट दैट लाइक यू नो हैविंग दैट मच डिफरेंस। है डिफरेंस डेफिनेटली है, पर उतना नहीं है, तो इसको काफी स्ट्रांगली जस्टिफाई करना पड़ेगा, देन यू कैन हैव गुड चांसेस इन स्टडी वीजा। अपार्ट फ्रॉम दैट पीआर के लिए आपका ऑप्शंस बहुत ब्राइट है। पीआर आप डेफिनेटली कर सकते हो विद एंड विदाउट जॉब ऑफर दोनों। एसआईएमपी वगैरह में आपका स्ट्रेट अवे नहीं हो सकता है, वी हैव टू यू नो गो विद राउट ऑफ यू नो अल्बर्टा विदाउट जॉब ऑफर, जिसमें अकाउंटेंट्स के नॉमिनेशंस रहते हैं, पहले भी आए हुए हैं विदाउट जॉब ऑफर, या विद जॉब ऑफर तो श्योर शॉर्ट ये रहता है कि 3 to 4 months में हमें पता ही है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा समटाइम्स कंसल्टेंट ऑल्सो गेट यू नो नॉट कंफ्यूज, आई वुड से कि आपके लिए दोनों ही ऑप्शन बड़ी बैलेंस ही हैं। अगर आप स्टडी वीजा भी करते हो तो मैंने आपको भी बताया कि एमकॉम है, रिसेंटली आपने किया, हाईली क्वालिफाइड है, बट उसको किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है, वो भी अगर आप काउंसलिंग लेंगे तो उसमें मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कर दूंगी। तो स्टडी वीजा में भी ब्राइट चांसेस हैं आपके, और जो आपकी पीआर है उसमें तो डेफिनेटली ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि आपके बैंड्स भी अच्छे हैं। पर विदाउट जॉब ऑफर में थोड़ा सा पॉइंट्स का है कि आपको वेट करना पड़ेगा पीआर के लिए, नॉमिनेशन में टाइम लगेगा। जॉब ऑफर के साथ जाओगे तो 3-4 months में आपकी पीआर सबमिट हो जाएगी, देयर इज नो पॉइंट कि आपको किसी भी तरह का वेट करना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे आप बुक कीपर की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो फॉर पीआर। वी हैव गॉट अ क्वेरी फ्रॉम वरुण, आई कैन नॉट सी दैट। अच्छा रुचिका, आपको मास्टर्स का इक्विवेलेंसी भी मिला हुआ, दैट्स वेरी गुड। अवारन, यू कैन अप्लाई विद जीटी। ओके, यस यस यस, यू आर राइट, यू डेफिनेटली राइट कि जनरल आईएएस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, अपडेट आ चुका हुआ है, बट अभी भी काफी सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दैट दे आर यू नो लिटिल बिट स्टिल हेजिटेंट, तो उनके क्राइटेरिया में वो चीज नहीं फिट करता है। फिर भी हम डेफिनेटली अपने डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर दें। कई बार क्या होता है कि प्रोफाइल में कई फैक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी रिव्यू करती है, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी बैचलर्स एंड जिनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो प्रोफाइल तो रिव्यू के साथ ही गैप के साथ एक्सेप्ट होती है। तो आप अपना सारा रिव्यू असेसमेंट करवाएं, इफ यू आर एक्सेप्टेड विद जनरल आईएएस आप डेफिनेटली उसी के साथ अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी के एंगल से ये चीजें हो सकती हैं। ओह, आई एम रियली सॉरी इफ यू हैव नॉट गॉट एनी कॉल बैक। सो आप अपना नंबर ड्रॉप करो, डेफिनेटली कॉल अरेंज करवाती हूँ मैं, एंड डिस्कस करते हैं फिर ओवर कॉल और यू नो फेस टू फेस जैसे भी ठीक लगता है। सो प्लीज ड्रॉप योर नंबर, इनबॉक्स में आप ड्रॉप कर दें, दैट वुड बी इवन बेटर। मैं टीम को भी कन्वे कर दूंगी दैट दे शुड डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड आई एम रियली सॉरी कि कई बार ऐसा होता है कॉल्स आप लोग की जो है वो नहीं आंसर, मतलब ये होता है कि कॉल बैक नहीं आपको हो पाता है, कई बार क्वेरीज जो है काफी ज्यादा रश हो जाता है क्वेरीज का, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है। एंड आई मस्ट टेल यू कि वी आर नॉट दैट कंसल्टेंट जो कि हर क्वेरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहां पे स्कोप लगता है पूरा इन डेप्थ जाके वी प्रोवाइड ऑल द असेसमेंट बिफोर यू नो कॉलिंग अ पर्सन। तो ये चीज में कई बार क्या होता है कि मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, द सीनियर्स हैव टू गेट इन्वॉल्व, यू नो जो हमारे सीनियर काउंसलर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट कुड डिले योर यू नो असेसमेंट प्रोसेस। बट आप ट्राई जरूर करें, टाइम कोशिश करें कि 2-3 बार फॉलोअप करके भी अपनी क्वेरी जो है वो सॉर्ट करवा लें।
एलपीयू से है, डिस्टेंस एजुकेशन का कोई इशू नहीं है. स्टडी वीजा के लिए तो डेफिनेटली इट्स नॉट एन इशू. स्टडी वीजा के लिए आप जा सकते हो वरुण. सो हियर वी आर. स्टडी वीजा का कोई इशू नहीं है. उसके लिए भी ये है कि आपको वेस्ट में मास्टर्स का प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज इट कुड बी डन. मतलब बैचलर्स की आपकी वो एलपीयू वाले डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है इन योर प्रोसेस, राइट. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर शोइंग यू नो रिस्पॉन्स एंड लव एंड सपोर्ट फॉर पर्सोना कंसल्टेंट्स. एंड आई मस्ट से दिस कि जितने भी लोगों ने आज तक ट्रस्ट किया है, वी हैव डेफिनेटली नॉट ब्रोकन देयर ट्रस्ट. और उनका प्रोसेस जो है, कोशिश की गई है कि जितने भी दिल से हो सकता है हम उस चीज को पूरा करें. एंड जब आप हमसे मिलेंगे, जब आप आकर विजिट करेंगे, यू विल फील द डिफरेंस दैट यू नो हाउ कनेक्टेड वी आर विद आवर क्लाइंट्स एंड हाउ वी डीपली एनालाइज द प्रोफाइल एंड यू नो ट्राई टू मेक इट यू नो सक्सेसफुल वीजा आउटकम फॉर यू. तो कोशिश ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल किया जाए, कोशिश ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही तरह की गाइडेंस के साथ जो है एक कंसल्टेंट वर्ड की जो एक मीनिंग होता है वो चीज के साथ हम लोग कंटिन्यू करें, ताकि जब आप वहां पे सेटल भी हो जाए तो यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर अस कि यस द गाइडेंस वाज यू नो क्वाइट गुड. तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है वी ट्राई टू गिव यू द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक पे किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई ट्राई टू गो लाइव ऑन दैट ऑल्सो, राइट. एंड जितने भी स्टडी वीजा वाले, थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू सो मच निशु. सो जितने भी स्टडी वीजा वाले लोग हैं जो कि कनाडा स्टूडेंट्स हैं हमारे, प्लस टू वाले और पीजी, इवन जिन्होंने पीजी डिप्लोमास के लिए जाना है, जो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर मे एंड सेप्टेम्बर इंटेक, कल लाइव होगा 6 बजे. मैं कोशिश करूंगी कि जितने प्रोग्राम्स हैं आपके साथ डिस्कस करूं ओपन और कॉलेजेस, एंड आप जल्दी से जल्दी उसमें अप्लाई करके अपनी ऑफर लेटर सिक्योर करें एंड गो अहेड विद योर वीजा एप्लीकेशन. थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग एवरीवन एंड टेक केयर. And don't forget to like the live session and share with your friends and relatives. Thank you.